बढ़ते आगे रायपुर से खबर, जहां पर मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। भीमा मंडावी की मौत के मामले में सदन में हंगामा हो सकता है। इसके अलावा कई जनहित के मुद्दों पर भी सरकार को विपक्ष घेर सकता है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। राजेश, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन है, क्या कुछ होगा सदन में आज? देखिए, आज दूसरा दिन है। पहले दिन भीमा मंडावी और जो दिवंगत जो सदस्य हैं उनको श्रद्धांजलि देके सभा जो स्थगित कर दी गई थी, आज दूसरा दिन है। और आज से ही हंगामा यहाँ पर शुरू होने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रमुख विपक्षी दल जो है भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसकी रणनीति बना ली है। विधानसभा जब 12 तारीख को शाम को उन लोग बैठे थे, सभी विधायक भाजपा के बैठे थे और रणनीति बना ली थी। जैसा पता चला है कि आज भीमा मंडावी की जो नक्सली हमले में हत्या कर दी थी नक्सलियों ने, उस मामले में सरकार जो जांच को लेकर जिस तरह से हिला हवाला कर रही है, न्यायिक जांच केवल चल रही है, विपक्षी सदस्य चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच हो, तो इस मामले को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा और कई जनहित के मामले हैं, वो मामलों को भी उठाकर इसमें सरकार पर सवाल जवाब होंगे। अगर हम बात करें आज ध्यानाकर्षण में, तो आज नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, राजनांदगांव जिले के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के साथ जो छेड़छाड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है, उस मामले को उठाएंगे ध्यानाकर्षण के मामले में, और स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सीते काम का ध्यान आकर्षित करेंगे। इसी तरह कांग्रेस के सदस्य अरुण वोरा जो है प्रदेश में अमानक खाद बीज की बिक्री के मामले में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे का ध्यान आकर्षित करेंगे। प्रश्नकाल की अगर बात करें, तो आज प्रश्नकाल में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा के विभाग से संबंधित ज्यादातर सवाल किए गए हैं। और आज हम आपको ये भी बता दें कि आज आगे की रणनीति और किस तरह से होगी और किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरा जाएगा, इसको लेकर मुख्य विपक्षी दल जो भाजपा है उनके विधायकों की एक बैठक नेता प्रतिपक्ष धरमलाल जी राजेश शाम को 7 बजे होने वाली है, उसमें और रणनीति तय की जाएगी और किन किन मुद्दों पर सरकार को यहाँ पर घेरा जाएगा। चलिए राजेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा।